everyone, welcome you all in Learn Karu class 11 and 12. And I am Shreya, your educator. Today we are going to do second chapter of the book Flamingo, that is Lost Spring Stories of Stolen Childhood by Annie Jung. अपने स्टोरी में ऑथर स्प्रिंग को जो कि सीजन्स का एक पार्ट होता है कंपेयर कर रही है चाइल्डहुड से जो कि हमारी लाइफ टाइम का एक पार्ट होता है. एज ड्यूरिंग स्प्रिंग न्यू लीव्स आती हैं, लवली फ्लावर्स ब्लॉसम करते हैं एंड एवरीथिंग अराउंड लुक सो ब्यूटिफुल. इन द सेम मैनर चाइल्डहुड, जब एक बच्चा एक चाइल्ड न्यू चीज़ें देखता है, लर्न करता है, खूब खेलता है, अपने न्यू टैलेंट्स डिस्कवर करता है और अल्टीमेटली ग्रो अप करता है. एनी जंग जो कि एक इंडियन राइटर है, शी हैज ऑल्सो बीन राइटर एंड कॉलमनिस्ट ऑफ द मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड. शी हैज ऑल्सो बीन ऑथर ऑफ मैनी बुक्स, और उन्हीं की एक बुक में से लिया गया ये पार्ट है जिसे आज हम स्टडी करने जा रहे हैं. थीम ऑफ द स्टोरी आर बेसिकली टू. फर्स्ट इज ग्राइंडिंग पॉवर्टी, यानी कि गरीबी के द्वारा फेस होने वाली दुख दर्द तकलीफें कैसे होती हैं उन लोगों को. एंड सेकेंड इज चाइल्ड लेबर एक्सप्लॉइटिंग लाइफ, चाइल्ड लेबर यानी कि बाल मजदूरी जो कि अंडर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड है. इस वो कैसे छोटे बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर देता है. एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है शोषण करना. टू स्टोरीज जो कि हम स्टडी करेंगे वो हैं समटाइम्स आई फाइंड रुपी इन गार्बेज एंड सेकेंड इज आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. Starting with our first story, that is, sometimes I find rupee in garbage. यानी कि कभी कभी मुझे कूड़े में एक रुपया भी मिल जाता है. इस स्टोरी में कॉन्वर्सेशन हो रही है किस में, साहिब में और एनी जंग में जो कि ऑथर है. Who is साहिब? साहिब एक पुअर रैग पिकर है, यानी कि एक गरीब कूड़ा बीनने वाला बच्चा जो कि कहाँ से आया है, ढाका से. ढाका कहाँ पे है? इट इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश. जहाँ से वो आया है वो अपने पुराने घर को ऑलमोस्ट भूल ही चुका है. उसकी मदर ने उसे अर्लियर बताया होता है कि वहाँ पे उनकी ग्रीन फील्ड्स थे और बहुत से तूफान स्टॉर्म्स आए जिससे कि उनका घर और फील्ड सब कुछ वाइप अवे हो गया. एंड दे हैव कम हेयर इन द सर्च ऑफ गोल्ड. गोल्ड यहाँ पे सिग्निफाई करता है लाइवलीहुड, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, जिसे सर्च करते करते वो किसी बिग सिटी में आ गए हैं जहाँ पर वो अब रहते हैं. एंड जो ये साहिब है ये रैग पिकिंग करा करता है इन द नेबरिंग एरियाज जहाँ पे एनी जंग रहती हैं ऑथर. तो इसलिए इनकी मुलाकात काफ़ी फ्रीक्वेंटली हुआ करती थी क्योंकि वो उन्हें अक्सर आते जाते मिल ही जाया करता था. नाउ वन डे ऑथर साहिब को क्वेश्चन पूछती हैं, व्हाई डू यू डू दिस, तुम ये काम क्यों करते हो. तो साहिब उन्हें एकदम से आंसर करता है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और कुछ करने को नहीं है. नाउ ऑथर इसके रिप्लाई में बोलती है गो टू स्कूल. ये पॉइंट गो टू स्कूल वो बहुत ग्लिबली बोलती है यानी कि थॉटलेसली, और बोलने के बाद वो रियलाइज करती है कि कितना खोखला लग रहा है, हाउ हॉलो इज इट साउंडिंग. नाउ गो टू स्कूल वो कहता है, जहाँ मैं रहता हूँ मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है, जब वो बना देंगे देन आई विल गो. इसके रिप्लाई में ऑथर दोबारा से बोलती हैं, इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, अगर मैं स्कूल स्टार्टअप करूँगी तो क्या तुम आओगे. साहिब ब्रॉड स्माइल के साथ बोलता है हाँ. कुछ दिन बीत जाते हैं, ऑथर दोबारा से मुलाकात होती है ऑथर की रैग पिकर साहिब से. साहिब जैसे ही ऑथर को देखता है वो उनकी तरफ दौड़ा दौड़ा जाता है. वो बोलता है इज योर स्कूल रेडी, कि आपका स्कूल बन चुका है. ऑथर बोलती है इट टेक्स लॉन्ग टू बिल्ड अ स्कूल, काफ़ी टाइम लगता है स्कूल बनने में. और ये बोलते हुए वो थोड़ा एम्बेरस फील कर रही होती हैं कि उन्होंने इतना फेक प्रॉमिस साहिब को क्यों करा था, क्योंकि उन्होंने बोला था मैं स्कूल बनाऊंगी तो तुम आओगे, जबकि वो ये बोलना नहीं चाहती थी, उनका ये रियल मीनिंग नहीं था, उन्होंने बस ऐसे ही बोल दिया था जोकिंग मैनर में. अब वो सोचती हैं जैसे मैंने ये प्रॉमिस करा है जो मैं कभी पूरा नहीं करने वाली हूँ, ऐसे ही पता नहीं कितने लोग होते हैं, कितने एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं लाइक पॉलिटिशियंस एंड ऑल, जो कि साहिब जैसे बच्चों की धुंधली दुनिया में फेक प्रोमिसेस तो कर देते हैं बट उन्हें कभी फुलफिल नहीं करते हैं. नाउ वन डे अगेन वो दोनों मीटअप करते हैं और उस दिन ऑथर उस बच्चे से पूछती है व्हाट इज योर नेम. वो आंसर करता है साहिब आलम. नाउ ऑथर वंडर करती है कि अगर इस बच्चे को अपने नाम का रियल मीनिंग पता होता
तब ये सोच पाता कि वॉट इज द कंट्रास्टिंग वर्क ही इज डूइंग। एज साहिब आलम का मतलब होता है द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। और वो क्या काम करता था? ही यूज टू वॉक बेयर फुटेड इन द स्ट्रीट होल डे इन एंड अराउंड द गार्बेज। तो कितना कंट्रास्टिंग होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जो उसके नाम का मतलब था, और वो क्या काम करा करता था? रैग पिकिंग का। नाउ वो अकेला नहीं था इस काम में, उसके साथ एक आर्मी ऑफ फ्रेंड्स थे, जिसे आर्मी ऑफ फ्रेंड्स थे, कुछ बच्चे थे जो सभी ये काम किया करते थे, एंड दे वर ऑल बेयर फुटेड यूजुअली। वंस ऑथर उन बच्चों के ग्रुप के पास जाती है और उनसे पूछती है, व्हाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, तुम बच्चों ने चप्पल क्यों नहीं पहनी हुई है? तभी उनमें से एक आंसर करता है, माय मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, मेरी मामा ने कभी शेल्फ से नीचे चप्पल को उतारा ही नहीं। सेकंड बोलता है, इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, अगर वो उतारती भी तो वो उसे पहनता नहीं, फेंक देता। जैसे वो ये बोल रहा होता है, ऑथर नोटिस करती है कि सेकंड वाले बच्चे ने जो शूज पहने होते हैं वो मिसमैच्ड हैं, यानी कि राइट और लेफ्ट दोनों लेग्स में जो शूज हैं वो डिफरेंट है, डिफरेंट पेयर्स के हैं, दे आर मिसमैचिंग। एंड तभी थर्ड बोलता है, आई वॉन्ट शूज, सेज द थर्ड बॉय। थर्ड बॉय कहता है, मुझे शूज चाहिए, क्योंकि उसने अपने लाइफ टाइम में कभी भी अ पेयर ऑफ शूज ओन ही नहीं करे थे। फर्स्ट टू आंसर से ऑथर को लगता है कि ये बच्चे ऐसे रिप्लाईज देंगे कि मम्मा ने कभी उतारे नहीं, या फिर उतार भी देती तो हम पहनते नहीं, हम फेंक देते, अपनी पॉवर्टी को हाइड करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे हैं, वो इनोसेंट हैं, वो सोचते हैं ऐसे रिप्लाईज देके वो कितने पुअर हैं ये बात हाइड कर सकते हैं। एंड जैसे कि ऑथर अक्रॉस इंडिया ट्रैवल करी हुई हैं, वो देखती हैं कि इन्हीं के जैसे पता नहीं कितने बच्चे हैं जो इंस्पाइट इसलिए नहीं पहनते हैं जूते चप्पल क्योंकि उनके पास नहीं है, या फिर उनके पास पैसे नहीं हैं, वो इसे ब्लाइंडली एक ट्रेडिशन की तरह फॉलो करते हैं। नाउ ये बात करते करते उन्हें एक इंसिडेंट याद आता है जो कि उन्हें एक मैन ने बताया होता है फ्रॉम उडुपी। क्या इंसिडेंट है वो? वहाँ पे एक बच्चा था जो स्कूल जाते हुए ओल्ड टेम्पल के पास थोड़ी देर के लिए रुकता था और वहाँ पे प्रे करता था टू गॉड फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और उसके फादर वहाँ पर प्रीस्ट थे, वो ऐसा रेगुलरली किया करता था। आफ्टर 30 ईयर्स जब वो मैन उस प्लेस को दोबारा से विजिट करता है तो वहाँ पे सब कुछ चेंज हो चुका है। बैकयार्ड में प्रीस्ट चेंज हो चुके हैं, वहाँ पे रेड और वाइट कलर की चेयर्स डली हुई हैं, और वहाँ से एक यंग बॉय दौड़ता हुआ आता है, उसने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म और सॉक्स पहने हुए हैं, अलॉन्ग विद इट उस बॉय ने शूज़ भी पहने हुए हैं। वो भागता हुआ आता है, अपना स्कूल बैग उतारता है और पास के साइड पे एक फोल्डिंग बेड होता है उस पर थ्रो कर देता है। अब उसको देख के उस मैन को रियलाइज होता है, एज इफ इतने साल पहले जो उस यंग बॉय ने विश करी थी गॉडेस से कि मेरे को पेयर ऑफ शूज मिल जाए, वो प्रेयर गॉडेस ने ग्रांट कर दी है, मान लिए, और उस बच्चे के पास जैसे कि वो पेयर ऑफ शूज आ चुके हैं जिनको वो इतने प्यार से रख रहा है कि वो उन्हें कभी लूज नहीं करने चाहता है। लेकिन ये बच्चा तो प्रीस्ट का बच्चा था, इसे मिल गए थे इसलिए शूज, लेकिन इन पुअर रैग पिकर्स के जैसे पता नहीं कितने बच्चे हैं जिनके पास आज तक कभी पेयर ऑफ शूज आए ही नहीं है। नाउ ये कॉन्वर्सेशन ऑथर की विद द ग्रुप ऑफ रैग पिकर्स उन्हें ले जाती है सीमापुरी। सीमापुरी कहाँ पे है? इट इज नियर द पेरिफ्री ऑफ दिल्ली। कहने को नियर द पेरिफ्री ऑफ दिल्ली है, लेकिन एक्चुअली दिल्ली से माइल्स अवे है। देयर हु आर लिविंग स्क्वेटर्स फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। स्क्वेटर्स आर द पीपल हु आर लिविंग इन टू अ प्लेस विदाउट पेमेंट एंड विदाउट परमिशन। और कौन है ये लोग? जो कि बांग्लादेश से आए हुए हैं सिंस 1971। नाउ इन द विल्डरनेस 10,000 रैग पिकर्स, वहाँ पे करीबन 10,000 अराउंड रैग पिकर्स रहते हैं। विल्डरनेस का मतलब होता है अ एरिया विच इज़ नॉट टेकन केयर ऑफ, वहाँ पे लोग रहते हैं। डिस्क्राइब हो रहा है एरिया एज इफ स्ट्रक्चर्स ऑफ मड आर मेड अप, हाउसेस को बोल रहे हैं वहाँ पे, एंड द रूफ्स आर मेड अप ऑफ टिन एंड टार्पोलिन। टार्पोलिन क्या होता है? इट इज़ सम मटीरियल लाइक प्लास्टिक। नाउ वहाँ पे कोई भी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, जैसे कि सीवेज, ड्रेनेज या फिर रनिंग वाटर सप्लाई। लाइफ देयर इज वेरी मिजरेबल। नाउ दीज पीपल हैव बीन लिविंग देयर अराउंड 30 ईयर्स। उनके पास एक आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं है। क्या है उनके पास? रेशन कार्ड। वाई रेशन कार्ड? जिससे कि वो अपने नेम को इंटाइटल कर सकें वोटिंग के लिए, और इस वोटिंग के लिए एंटाइटल हो कि वो क्या अवेल कर सकते हैं? फूड ग्रेन, यानी कि अन्न। उनके लिए
आइडेंटिटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट फूड ग्रेन है, आइडेंटिटी के लिए वो बॉदर ही नहीं करते हैं, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फूड ग्रेन। नाउ ऑथर वहां पे एक लेडी से पूछती है कि आप अपने ब्यूटीफुल ग्रीन फील्ड्स रिवर्स छोड़ के इतनी दूर यहाँ पे क्यों आ गए हैं। तब उसको आंसर मिलता है, इफ एट द एंड ऑफ द डे, अगर हम एट द एंड ऑफ द डे अपनी फैमिली को फीड कर सकते हैं और जब हम सोने जाएं हमारा स्टमक एक ना कर रहा हो ड्यू टू हंगर, तो फिर हम उस जगह को छोड़ देंगे, उन फील्ड्स और रिवर्स को छोड़ देंगे जिनसे कि हमें कोई प्रॉफिट अर्न नहीं होता था, वहाँ से हम फूड ग्रेन अर्न नहीं कर पाते थे, इसलिए हम उस जगह को छोड़कर यहाँ पे आ गए हैं। और इनफैक्ट ऐसी जगह हमें जहाँ भी मिलती है हम वहीं पे अपने टेंट्स लगा देते हैं एंड वी स्टार्ट लिविंग देयर। ये आंसर करती है वो ऑथर को, कौन, अ लेडी इन टैटर्ड साड़ी। टैटर्ड साड़ी मतलब फटी पुरानी साड़ी पहने हुए एक लेडी ऑथर को ये आंसर करती है। इट वॉज देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवरहेड इवन इफ इट वॉज लीकिंग। ये गार्बेज का काम ही उनकी डेली ब्रेड था, उनके लिए अ रूफ ओवर देयर हेड्स था भले ही वो रूफ लीकिंग क्यों ना हो। नाउ गार्बेज टू देम इज गोल्ड, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, ये लाइन सिग्निफाई करती है कि गार्बेज जो कि जनरली हम कंसिडर करते हैं सो डीमीनिंग, सो यूजलेस और उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, दिस गार्बेज टू दीज पीपल इज समथिंग लाइक गोल्ड। गोल्ड क्यों, क्योंकि गोल्ड इज वेरी प्रेशियस, इट इज सो वैल्यूएबल, इट इज सो मीनिंगफुल और उसकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है, तो फिर गार्बेज टू दीज पीपल इज लाइक गोल्ड एंड गोल्ड अलॉन्ग विद इट सिग्निफाइज द लाइवलीहुड, जिससे कि वो अपनी फूड क्लोदिंग शेल्टर अवेल कर पाते हैं और उनकी लाइफ चलती है। नाउ साहिब उन्हें एक बात और बताता है कि आई समटाइम्स फाइंड अ 10 रुपी नोट, साहिब को कभी कभी गार्बेज हीप में 10 रुपीज़ का नोट भी मिल जाता था एंड समटाइम्स इनफैक्ट सिल्वर कॉइन भी मिल जाता था, और जब उसे एक सिल्वर कॉइन मिलता था तो वो वहीं नहीं रुक जाता था, वो सोचता था एक मिला है तो और होंगे, और एंथुसियाज्म से वो और सिल्वर कॉइन्स ढूंढने लगता था। नाउ देर आर टू कंट्रास्टिंग थिंग्स, एज फॉर चिल्ड्रन रैप इन वंडर, गार्बेज सेम चीज़, गार्बेज फॉर चिल्ड्रन क्या है, रैप इन वंडर, क्योंकि वो डेली उसमें न्यू एंथुसियाज्म के साथ नई नई चीज़ें ढूंढते थे, क्या पता उन्हें आज 10 रुपी का नोट मिल जाए, एक सिल्वर कॉइन मिल गया, क्या पता दूसरा भी मिल जाए, और ऐसे ही करते करते वो और ढूंढा करते थे। बट फॉर एल्डर्स मीन्स ऑफ सर्वाइवल, वो सर्वाइवल का मीन्स था एल्डर्स के लिए, गार्बेज बड़ों के लिए अलग चीज़ थी और छोटे बच्चों के लिए अलग चीज़ थी। वन मॉर्निंग ऑथर साहिब को अगेन नोटिस करती है क्लब के बाहर फ्रेंड्स के पास खड़े हुए, अंदर 2 यंग मैन टेनिस खेल रहे होते हैं। तभी साहिब उन्हें बोलता है कि मेरे को ये गेम बहुत पसंद है और कभी कभी जब कोई आसपास नहीं होता है तो गेट कीपर मुझे अंदर जाने को भी अलाउ कर देता है और वहाँ पे जो झूला है स्विंग वो झूल लेता हूँ मैं। ऑथर नोटिस करती है कि साहिब ने अ पेयर ऑफ टेनिस शूज पहने हुए हैं जो कि उसके वोन और फेडेड कपड़ों के साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रहे होते हैं। तभी साहिब उन्हें बताता है कि प्रोबेबली किसी रिच बॉय ने इन शूज़ को डिस्कार्ड कर दिया था क्योंकि इसमें एक टाइनी होल हो रखा है, तो वो उसको नहीं पहनना चाहता था, उसने फेंक दिए थे। बट वो टाइनी होल साहिब के लिए बॉदर नहीं करता था क्योंकि उसके पास तो कैसे भी शूज़ नहीं थे, तो अ पेयर ऑफ शूज़ आ जाना उसके लिए ऐसे था जैसे कि उसका एक ड्रीम कम ट्रू हो गया हो। बट जिस गेम को वो इतने एंथुसियाज्म के साथ देख रहा था वो गेम डेफिनेटली उसके आउट ऑफ रीच था। नाउ कुछ दिनों बाद ऑथर नोटिस करती है साहिब को नियर अ मिल्क बूथ, वहाँ पे साहिब उन्हें बताता है कि अब उसको एक जॉब मिल गई है इन अ टी स्टॉल। वो तभी नोटिस करती है उसने कैनिस्टर भी कैरी कर रखा होता है। साहिब ऑथर को बताता है कि अब वो एक टी स्टॉल पे काम करता है, वहाँ से उसे एक सैलरी मिलती है 800 रुपीज़ की और एंटायर मील्स भी उसे वहीं से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होते हैं। तब ऑथर उसको बोलती है डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे अपना जॉब पसंद है। जैसे ही ऑथर उसको ये क्वेश्चन पूछती है वो उसके फेस को नोटिस करती है कि उसके फेस से, साहिब के फेस से वो केयर फ्री लुक, वो इनोसेंस, वो मासूमियत गायब हो चुकी थी। एंड दैट स्टील कैनिस्टर जो उसने अपने शोल्डर पे कैरी कर रखा था, इट वॉज अपेयरिंग मच मोर हैवियर देन द प्लास्टिक बैग विच ही अर्लियर यूज टू कैरी जब वो रैक पैकिंग किया करता था। नाउ साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, यानी कि अब साहिब
अपना मास्टर नहीं रह गया था, क्योंकि जब वो रैग पिकिंग किया करता था, he was not working under anyone. वो अपना मास्टर खुद था, बट अब जहाँ टी स्टॉल में काम करता है वो अंडर somebody काम करता है, किसके? टी स्टॉल ओनर के. एंड आफ्टर ऑल जो उसने कैनिस्टर कैरी कर रखा है अपने शोल्डर पे, वो किसे बिलोंग करता है? टी स्टॉल ओनर को. और अर्लियर जो वो प्लास्टिक बैग किया करता था कैरी, वो उसका खुद का अपना था. एंड द स्टोरी एंड्स हियर. लर्न करो को सब्सक्राइब करें, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ऑल द बेस्ट. हे गाइस, स्टार्टिंग विद द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी. आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. मैं एक कार चलाना चाहता हूँ. This story is about a boy named Mukesh, जिसके यहाँ generations to generations particularly एक ही काम होता आ रहा है, और वो काम है the art of bangle making. Since generations, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ उनके यहाँ सिर्फ एक काम होता है. जो क्या काम है? वो चूड़ियाँ बनाने का. Now, this person, this Mukesh, author उसको बोलती है, do you know anything about motors? वो बोलता है, I will learn to, मैं सीख लूँगा. Now, this story is set in the city of Firozabad. Firozabad is a little city near Agra, which is the state of Uttar Pradesh. And Firozabad is the center of India's largest glass blowing industry. Firozabad entire country mein famous hai for the works of glass. Yahan pe bahut zyada factories hai jahan pe bhi glass ka kaam hota hai, and especially the art of bangle making. सबसे ज़्यादा वहाँ पे बैंगल मेकिंग का काम होता है, यानी कि चूड़ी बनाने का. बहुत सारी फैक्ट्रीज है जहाँ पे मेनली सिर्फ और सिर्फ बैंगल मेकिंग का काम होता है. एंड अंडर एथिक्स अगर देखा जाए तो वहाँ के लोगों को ये पता ही नहीं है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट जो कि ऑलरेडी प्रोहिबिटेड है और इलीगल है, एंड देयर पीपल आर वर्किंग इन सो डिंगी सेल्स, यानी कि डार्क स्मॉल रूम्स जहाँ पे वो काम करते हैं अंडर सच हाई टेम्परेचर्स. And there is no facility of proper lightning, proper air, और वो entire day उसी light, उसी air और उन high temperatures में जब काम करते हैं, then as these children grow up, वो probably अपनी eyesight lose कर देते हैं. And under law, अगर ये सारी laws यहाँ पर applicable कर दी जाए तो यहाँ पर approximately 20,000 children release हो सकते हैं. Now मुकेश ऑथर को वॉलंटियर करता है अपने साथ अपने घर लेके चलने के लिए, और वो बहुत प्राइडली बोलता है कि मेरा घर रिनोवेट हो रहा है. इट्स फाइन. अब ऑथर और मुकेश मुकेश के घर की तरफ जा रहे होते हैं. जहाँ से वो जा रहे होते हैं वो एरिया इज डिस्क्राइब एज स्टिंकिंग लेन्स. जिन लेन्स से वो जा रहे थे वो काफ़ी गार्बेज इधर उधर पड़ा हुआ था. वहाँ के जो डोर्स थे वो वॉबली डिस्क्राइब थे. वॉबली यानी कि वीक या ढुलमुल हुए हुए. वहाँ के जो दीवारें हैं वॉल्स दे आर ऑल टीदर्ड एंड कोई भी सेपरेशन नहीं है लाइक बिटवीन द एनिमल्स एंड ह्यूमंस. ऐसा लग रहा है जैसे कि एनिमल्स की फैमिली और ह्यूमंस की फैमिली साथ साथ रहते हैं. कोई बाउंड्रीज नहीं बनी हुई है विद इन द होम्स. ऐसा लगता है जैसे कि वो लोग प्रिमियल स्टेज में रह रहे हैं, यानी कि जैसे हिस्टोरिकल पीरियड में लोग रहा करते थे. एंड अलॉन्ग विद इट उनके घरों में कोई विंडोज भी नहीं है. चलते चलते खैर वो मुकेश के घर तक पहुंच जाते हैं. नाउ दे एंटर्स अ हाफ बिल्ड शैक, मतलब बहुत रफली बना हुआ एक घर है, जैसे तैसे एक घर बना हुआ है उसमें वो एंटर करते हैं. वहाँ पे उन्हें एक वीक यंग वुमन मिलती है. हु इज दैट वुमन? वो मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ होती है, जिन्हें की डिस्क्राइब करा गया है एज डॉटर इन लॉ और बहू. नाउ जब वो एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि एक साइड में फायर पे एक कंटेनर रखा हुआ है जिसमें कि स्पिनेक लीव्स बॉयल हो रही हैं, और अदर साइड एल्युमिनियम का एक कंटेनर है जिसमें कि अदर वेजिटेबल्स चॉप्ड रखी हुई हैं. दिस वीमन इज डिस्क्राइब एज आईज फिल्ड विद स्मोक, क्योंकि वो काम कर रही थी कुकिंग का, प्रॉपर वेंटिलेशन फैसिलिटीज़ नहीं है तो उनकी आईज में काफ़ी स्मोक भरी हुई है. एंड अलॉन्ग विद इट शी स्माइल्स, मतलब वो एक जेस्चर देती है स्माइलिंग का in a form of welcome. Now, this lady is in charge of three men. कौन है वो three men? Mukesh himself, उसके बड़े भाई and Mukesh के father. उन तीनों का charge किस पे है? This lady पे, जो कि Mukesh के elder brother की wife है. तभी वहाँ पे Mukesh के father enter करते हैं, और जैसे ही Mukesh के father enter करते हैं this lady वो एक
वॉल के पीछे जाके खड़ी हो जाती हैं और शी टेक्स आउट व्हील. व्हील इज घूंघट, घूंघट को बोलते हैं व्हील. जैसे कि डॉटर इन लॉ जब एल्डर मैन आते हैं इंडिया में, जैसे ट्रेडिशन होता है कि वो फेस कवर करती हैं, इन द सेम मैनर ये करती हैं. नाउ फादर्स को बताते हैं कि वो अर्लियर टाइम में टेलरिंग का काम भी कर चुके हैं एंड उन्होंने बैंगल मेकिंग का काम भी करा है, बट इतने काम करने के बावजूद भी वो इतने पैसे नहीं कमा पाए कि वो अपना घर रेनोवेट करवा पाए और वो अपने दोनों सन्स को एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए. वो क्या प्रोवाइड कर पाए हैं उन्हें? सिर्फ द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग, जो कि जनरेशन टू जनरेशन चलती आ रही थी. तभी वहाँ पे मुकेश की ग्रैंड मदर, दादी माँ एंटर करती हैं और वो बोलती हैं इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी, यानी कि यही इसका कर्म है और यही इसका भाग्य है. जिनके खुद के हस्बैंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लास्ट बैंगल्स की पॉलिशिंग करते हुए उन्होंने अपनी आईसाइट कम्प्लीटली लूज कर दी थी और वो ब्लाइंड हो चुके थे. इस टर्म से हमें पता चलता है जब वो बोलती हैं इट इज़ हिज कर्म एंड डेस्टिनी, वो लोग बहुत ही पुराने ज़माने की सोच को रखते हैं. अलॉन्ग विद इट वो ये भी कहते हैं कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन. अकॉर्डिंग टू देम उनका ये मानना था कि वो भगवान के द्वारा इस काम करने के लिए ही प्रिस्क्राइब्ड है, वो अपने आप को इसके वंशवादी मानते हैं. उनको आर्ट ऑफ ग्लास मेकिंग ये प्रोफेशन ऐसा लगता था जैसे कि ये कोई कास्ट हो जो कि भगवान के द्वारा दी गई है उनको, कि इस काम के अलावा वो किसी और काम को करना तो दूर उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो बोलती हैं कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन, क्या हम इस काम के अलावा जो कि भगवान के द्वारा हमें प्रिस्क्राइब्ड है कुछ और कर भी सकते हैं? क्या इस रूल को कभी तोड़ा जा सकता है? नाउ वहाँ पे अराउंड जो बैंगल्स हैं उनके कलर्स को डिस्क्राइब करते हुए ऑथर बोलती हैं सनी गोल्ड, यानी कि गोल्ड कलर बाय द सन ऑफ लाइट कंपेयर हुआ है, पैडी ग्रीन, ग्रीन फील्ड में जो पैडी ग्रो कर रहे होते हैं उससे ग्रीनरी सिग्निफाई होती है, एंड सेवरल अदर कलर्स, ऑल द कलर्स ऑफ रेनबो. नाउ अनकैम्प्ड यार्ड, यानी कि आसपास जो भी सामान था, ग्लास वर्क, दोज बैंगल्स, वो बहुत हिबिजार्डसली प्लेस थे एंड थिंग्स वर बींग लोडेड on a four-wheeler and was being carried from one place to another. Now, in the dark flames of oil lamps, all people mein aate hain, boys, girls, along with their mothers and fathers are sitting there and they are joining what colored pieces of glasses. Aur jis area mein wo baithe hain, wo kaisa hai, dark hai, kyunki proper light facilities nahi hai and wo kin cheezon mein kaam kar rahe hain, in the flames of oil lamps. और वो ज्वाइन कर रहे हैं ग्लास बैंगल्स को इनटू अ सर्कुलर फॉर्म बैंगल बनाने के लिए. नाउ वो लोग इतने कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में एट अ यंग एज काम करते हैं, वो सब बच्चे, क्योंकि यही उनकी लीनियज है जिसे वो कंसिडर कर रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन वाली, कि जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते हैं दे स्लोली स्लोली लूज देयर आईसाइट, और जब तक वो बड़े हो चुके होते हैं मेजर पोर्शन ऑफ आईसाइट दे हैव लॉस्ट बिकॉज ऑफ द इन एक्सपोजर ऑफ लाइट जिसपे वो काम करते आ रहे हैं फ्रॉम अ यंग एज. नाउ ऑथर देखती है एक यंग गर्ल सविता को जिसने क्या पहनी हुई है, ड्रैप पिंक ड्रेस. ड्रैप का मतलब होता है डल, डल कलर्ड पिंक ड्रेस. वो नोटिस करती है कि वो क्या काम कर रही है, ऑफ सोल्डरिंग. सोल्डरिंग इज स्टिकिंग बाय मेल्टिंग स्टिकिंग ऑफ मेटल्स, उससे वो बना रही होती है चूड़ियाँ और उसके हाथ इतने परफेक्टली मूव करते हैं एज इफ दे आर मशीन. मशीन से वो सिग्निफाई करता है यहाँ पे टोंग्स को, जिन्हें चिमटा बोलते हैं, वो इतने परफेक्टली अपने हाथों से काम कर रही होती है कि उसके हाथ को बोला गया है दे वर लाइक वर्किंग लाइक टोंग्स. जब वो उसको इतना परफेक्टली ऑथर सविता को ये काम करते हुए देखती है तो वो सोचती है कि जिन बैंगल्स को वो बना रही है सविता, उसको इनकी सैंक्टिटी यानी कि पवित्रता के बारे में पता भी नहीं होगा. एज बैंगल सिग्निफाई सुहाग, और सुहाग दैट मीन्स मैरिज, ऑस्पिशियसनेस ऑफ मैरिज भी उसको नहीं पता होगी, यानी कि इसका कितना महत्व होता है मैरिज में बैंगल का, वो कितने शुभ माने जाते हैं एंड ऑल इन आर इंडियन कल्चर, सविता को नहीं पता होगा. वो सोचती हैं प्रोबेबली वन डे व्हेन शी विल बिकम अ ब्राइड उसको ये सब पता चल जाएगा, क्योंकि जब वो ब्राइड बनेगी उसको रेड कलर का साड़ी पहनाया जाएगा जिसमें घूंघट होगा, रेड कलर की बैंगल्स पहनाई जाएंगी, उसके हाथों में मेहंदी लगेगी, है ना, एंड ऑल दैट. ऑल दो बैंगल्स तो सविता ने अभी भी पहने हुए थी, शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट. एज बैंगल्स में एक शाइन होती है क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ग्लास, तो वो बहुत शाइनियर होता है. तो बैंगल्स तो सविता के पास अभी भी थी, लेकिन कॉन्ट्रारी टू दैट
नो लाइट इन हर आईज। जो बैंगल्स उसने पहने थे उसमें तो लाइट थी, लेकिन उसकी आईज में कोई लाइट नहीं थी। इसका क्या मतलब है? क्योंकि वो इतने डिम लाइट में काम करती आ रही है फ्रॉम अ टाइम, उसकी आई साइट लूज होने लगी है और उसकी आईज आर नॉट ब्राइट जैसे कि एक चाइल्ड की होनी चाहिए, एक हेल्दी चाइल्ड की। तभी उसके पास बैठी हुई एक लेडी बोलती है, एक वक्त सिर भर खाना भी नहीं खाया। इसका क्या मतलब होता है? वो लेडी बताती है बहुत ही लो टोन में, बहुत ही निराशा के साथ, कि उसने अपनी पूरी लाइफ में, थ्रू आउट लाइफ, उसने एक बार भी पेट भर के खाना नहीं खाया था। तब उसके हस्बैंड बोलते हैं, आई नो मैं इतने पैसे नहीं कमा पाया कि मैं पेट भर के उसको खाना खिला पाऊँ या खा पाऊँ, लेकिन आई हैव अर्न एनफ मनी कि मैं घर बना सकूँ, और मैंने घर बना दिया। ये बात उसके हस्बैंड इतने प्राउडली बोलते हैं कि ऑथर रियलाइज करती है कि जिस तरह से ये बोल रहे हैं, प्रोबेबली बहुत से लोगों के पास एक घर तक भी नहीं है एंड दे आर होमलेस, इसलिए ये इतना प्राउड फील कर रहे हैं कि उनके पास घर है। लेकिन ऑथर सोचती है कि और कितने लोग हैं जिनके पास इतनी बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अ शेल्टर, अ होम। नाउ दिस वर्क दे आर डूइंग सिंस जनरेशंस विदाउट थिंकिंग एनीथिंग एल्स। वो ये काम ब्लाइंड फोल्डेडली करते आ रहे थे क्योंकि वो इसे मानते थे ये गॉड्स गिवन लीनिएज है। वो कभी भी कुछ न्यू ट्राई नहीं करना चाहते थे, और यही रिपीटेडली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जनरेशंस टू जनरेशंस, कितना बड़ा टाइम होता है ना, तब से काम करते आ रहे थे। तो दिस थिंग हैज किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम। वो किसी और चीज़ के बारे में करना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी ऑलमोस्ट भूल चुके थे। अपना थॉट प्रोसेस उनको ऑलमोस्ट बंद था। दे वर नॉट थिंकिंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। जो वो काम करते आ रहे हैं, जो सब कर रहे हैं, बस वही करना है। क्यों करना है उन्हें नहीं पता, कुछ और करना है या नहीं करना है उसके बारे में वो सोचना ही नहीं चाहते थे। नाउ ऑथर उनको बोलती है, व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव, यानी कि जब आप लोग सभी एक काम, ये बैंगल मेकिंग का इतने टाइम से करते आ रहे हैं एंड यू ऑल आर सो परफेक्ट इन दिस, तो फिर आप अपने आप को एक कोऑपरेटिव में क्यों नहीं फॉर्म कर लेते हैं, मतलब एक एसोसिएशन अपने ही क्यों नहीं बना लेते हैं। इसके आंसर में वो मैन उन्हें आंसर करता है कि अगर हम ट्राई भी करेंगे ये सब करना, तो फिर जो पुलिस पीपल होते हैं वो हमें पकड़ लेंगे और कोई भी हमारे ऊपर लॉ लगा के हमें जेल में ड्रैग कर देंगे, हमें जेल में डाल देंगे, और वो हमें ये काम नहीं करने देंगे। हमें बहुत सारी हर्डल्स को फेस करना पड़ेगा अगर हम कुछ न्यू करना चाहें। ये बोलते हुए उनका यही मतलब नहीं होता है, इसका मतलब ये भी होता है कि उन सब लोगों में लीडरशिप की क्वालिटी लैकिंग थी। उनमें से कोई भी रेडी नहीं था इनिशिएटिव लेने के लिए, उनका लीडर बनने के लिए और सबको गाइड करने के लिए, कुछ न्यू करने के लिए। सो हियर इट्स, दिस सेंटेंस सिग्निफाइज द लैक ऑफ लीडरशिप स्पिरिट इन दोज पीपल। नाउ द ऑथर यहाँ पे रियलाइज कर रही है टू डिस्टिंक्ट वर्ड, वन विच इंक्लूड्स विशियस सर्कल ऑफ साहूकार, मिडलमैन, पुलिसमैन, कीपर्स ऑफ द लॉ, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस, जो कि उस सब आदमी ने बताया था उसको कि ये सब एनी हाउ उनको पकड़ लेंगे और जेल में डाल देंगे, इसलिए वो कुछ नहीं करना चाहते। वो आदमी ये बोलते हुए बहुत निराश भी था कि ये सब हो जाएगा और हम जेल में चले जाएंगे, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नया नहीं कर सकते, हम जो कर रहे हैं बैंगल मेकिंग बस यही करते जाएंगे, कुछ और नहीं सोचेंगे, ना ही एसोसिएशन और ना ही कोई और काम। और ये बोलते हुए वो बहुत उदास था, इसलिए ये सिग्निफाई करता है कि वो सभी एल्डर पीपल जो हैं वो अपना थॉट प्रोसेस गिवन कर चुके थे, वो कुछ नया नहीं करना चाहते थे और वो अपनी एबिलिटी टू थिंक, एबिलिटी टू ड्रीम गिव अप कर चुके थे। बट कॉन्ट्ररी टू दैट थिंग, मुकेश बोलता है कि आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक। ऑल्दो जो गैरेज है जहाँ पे मोटर वर्क्स होता है वो उसके घर से थोड़ा दूर था, तो वो बोलता है I'll walk up to the garage and go and learn there. तो author बोलती है, Do you also dream of flying plane? क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का भी सोचते हो? तब मुकेश ने बोलता है नो, और जब वो नो बोलता है तो फिर वो ग्राउंड की तरफ देखता है और कुछ मर्मर करता है, कुछ बड़बड़ाता है। क्यों बड़बड़ाता है? वो सोचता है कि मैं कार के बारे में तो सोच सकता हूँ, क्योंकि वो चाहता था मोटर मैकेनिक बनना, क्योंकि वो अपने टाउन की स्ट्रीट्स में रोज दिखता था हसल बसल ऑफ द वेरियस कार्स जो वहाँ पे रन करती है। बट फिरोजाबाद के ऊपर से एरोप्लेन रेयरली गुजरता है। थैंक यू एंड हियर द स्टोरी एंड्स। डू सब्सक्राइब द चैनल लर्न करो क्लास 11 एंड 12,
और आप सबकी जो भी क्वेरीज हैं यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।